हनी सेलर। महेशपुर गांव में रामू नाम का एक शहद बेचने वाला रहता था। रामू रोज सुबह उठकर सबसे पहले जोर जोर से घंटी बजाकर भगवान की पूजा करता। ओम जय जगदीश हरे, स्वाम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। रामू जब आरती गाता तो उसकी पत्नी अपने कानों में बड़ी बड़ी रुई ठूस लेती। अरे भाई नाश्ता लगा दो जल्दी, शहद तोड़ने जाना है आज। क्या बनाया है आज खाने में? केकड़े की टांगे, मछली की पूंछ, मुर्गे की पंजे और प्रेग्नेंट मुर्गी के अंडों का ऑमलेट मिलाकर मिक्स्ड वेज तैयार की है। और चाय नहीं बनाई? अभी तक तो नहीं बनाई। ठीक है तो अब बना लो। ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। प्यार करते हो मुझे या नहीं? शाहजहाँ जैसे। मेरे बाद ताजमहल बनाओगे? हाँ फ्लैट ले चुका हूँ, देर तो तुम ही कर रही हो। अच्छा पत्नी क्या है जानती हो? पत्नी उस शक्ति का नाम है जिसे घूरने भर से टिंडे की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लगता है। नाश्ता करने के बाद रामू पेड़ पर लगे शहद के छत्ते से शहद इकट्ठा करने जाता है। अरे आज मैं अपना हैंड कवर लाना तो भूल ही गया। रामू बिना हैंड कवर लगाए छत से शहद इकट्ठा करने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। मधुमक्खियां रामू को खूब काटती है। रामू का पूरा चेहरा सूज जाता है। रामू एक मटके में शहद इकट्ठा करके गांव की गलियों में बेचने जाता है। शहद ले लो, शहद बिल्कुल प्योर शहद, सबूत के साथ बिल्कुल प्योर शहद। भैया क्या सबूत है कि तुम बिल्कुल प्योर शहद बेच रहे हो? अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा मुंह इतना सूझा हुआ है? यह मधुमक्खियों के काटने से सूझा है? हाँ मैं तो सोच रहा था कि किसी ने तुम्हारी पिटाई की है। ठीक है भैया एक किलो शहद मुझे भी दे दो। रामू अपनी मटकी से शहद आदमी के भगोने में दे ही रहा होता है कि तभी एक लड़का स्केटिंग करते हुए आता है और रामू से टकरा जाता है। रामू का सारा शहद उसके सिर पर गिर पड़ता है। सॉरी अंकल जी, नया नया स्केटिंग करना सीखा हूँ इसीलिए चलाना नहीं आता। तुमने तो मेरी रोजी रोटी खराब कर दी, यह शहद कम से कम एक महीने तक बिकता, अब इस पूरे महीने में क्या खाऊंगा? मैं आपको शहद तो नहीं लौटा सकता लेकिन एक गधा दे सकता हूँ। रामू गधा लेकर घर पहुँचता है। शहद की मटकी कहाँ है? आज मैं केंचुए, दरियाई घोड़ों के सिर और मेंढक का कलेजा शहद में मिलाकर एक डिश बनाने वाली थी, और ये गधा क्यों ले आए? तुम्हारे होते हुए इस घर में गधे की क्या जरूरत? शहद का काम अब भूल जाओ, मटकी फूट गई और सारा शहद बेकार हो गया। अब हम 6 महीने के लिए शहर चलेंगे और वहीं पैसा कमाएंगे। रामू और उसकी पत्नी गधे पर बैठकर शहर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक आदमी उन्हें मिलता है। देखो दोनों कितने जालिम हैं। गधा बेचारा इनके बोझ से दबा जा रहा है और यह दोनों इसके ऊपर बैठे हैं। कम से कम एक तो उतर जाओ। रामू गधे से उतर जाता है। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है और कहता है, देखो तो कैसी गंवार औरत है, खुद मजे से ऊपर गधे पर चढ़ी बैठी है और अपने पति को पैदल चलवा रही है। लगता है इंसानों में मर्द को हमेशा ऊपर बिठाने का रिवाज है। तुम गधे पर बैठो, मैं पैदल चलती हूँ। रामू गधे पर बैठ जाता है और रामू की पत्नी पैदल चलने लगती है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, देखो तो शर्म नहीं आ रही है, औरत को पैदल चलवा रहा है और खुद गधे पर टांगा हुआ है। रामू गधे से उतर जाता है। वह सोचता है कि अगर गधे पर कोई बैठे ही ना तो शायद लोग कुछ न कहे। दोनों गधे से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। तभी एक आदमी बोल पड़ता है, अरे बिल्कुल गधे हो क्या, जब गधा साथ में है तो पैदल क्यों चल रहे हो? अरे हम कैसे भी चले ये टोकते ही रहेंगे, ऐसे तो हम कभी शहर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक कहा, अब हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, बस अपनी मर्जी से चलेंगे। रामू और उसकी पत्नी शहर पहुंचते हैं। चलो
अब कहीं बैठकर खाना खा लेते हैं। रामू और उसकी पत्नी अपने साथ में लाया खाना रेलवे ट्रैक के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि ट्रेन की पटरी पर ट्रेन आ रही है और एक लड़की रेलवे ट्रैक पर लेटी हुई है। वो लड़की रेलवे ट्रैक पर क्यों लेटी है? लगता है वह आत्महत्या करना चाहती है। रामू अपना खाना वगैरह छोड़कर तुरंत उस लड़की के पास जाता है। ट्रेन बहुत करीब आ चुकी होती है, लेकिन रामू एक ही झटके से लड़की को ट्रेन की पटरी से दूर कर देता है। तभी कार से एक आदमी वहां पर आता है। पूजा, मेरी बेटी, तुम मुझसे नाराज होकर यहां रेल से आत्महत्या करने चली आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैंने देखा कि तुमने मेरी बेटी को बचाया। क्या मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हमें मजबूरी में गांव से यहाँ पैसे कमाने के लिए आना पड़ा है। क्या आप हमें कोई काम दे सकते हैं? वैसे मैं शहद का काम करता था। मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये देता हूँ। तुम गांव लौट जाओ और अपना शहद का काम ही दोबारा शुरू कर लो। रामू और उसकी पत्नी पैसे लेकर खुशी खुशी अपने गाँव लौट आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।